तुम्हारे बच्चे की मदद मांगी थी। वो ये कैसे कर सकती है? तुम प्लीज उन पर शक मत करो। क्या मैंने अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाया? मुझे पता था, मैं जानती थी आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ भाभी पे यकीन करते हैं। अलग प्लीज, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, प्लीज मुझे और कंफ्यूज मत करो। भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, नफरत करती है वो मुझसे। वो तुम्हें क्यों ना पसंद करेंगी? तुम उनकी पसंद से आई हो इस घर में। जारा के बारे में भी तो उनका यही ख्याल था ना। उसका शिकर कहां से आ गया? उसे भी तो भाभी ना पसंद करती थी, और भाभी आपको कहती थी कि जारा आपको शादी के बाद ट्रैप कर लेगी। हाँ, मगर इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है तैमूर कि आपकी बीवी जो भी होती, मैं होती है, जारा होती, वो किंजा भाभी की नफरत और दुश्मनी का निशाना बनती। हो तो तुम्हें बता दिया है उन्होंने। वैसे मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी जल्दी की नहीं थी। मकसद क्या है इस बात का? सिर्फ यही देखना चाहती थी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान वो किस हद तक मौजूद है। क्या तुम मेरे और किंजा भाभी के ताल्लुकात पर शक कर रही हो? नहीं, मैं सिर्फ हमारे रिलेशन को किसी तीसरे की वजह से कमजोर नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहती। आपने हमेशा आंखें बंद करके भाभी पे इत्तबार किया है, और किसी पे भी नहीं। हमारे पास एक रास्ता है फलक, हम इस हॉस्पिटल की फार्मेसी पे जाके पता करते हैं कि ये दवाइयां कौन लेने उनके पास आया था। I'm sure हर कोई ये दवाइयां नहीं लेता होगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के जाऊं घर के अंदर। अल्लाह, मेरे खुदाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत घर मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये मेरी बेटी के नाम का है ना ये घर। क्या हो गया अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? सुहेल का हो या मेरा, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ, बात तो एक ही है। बड़ी खुश हूँ बेटा, अल्लाह तुझे बड़ी जिंदगी तंदुरुस्ती सलामती दे। भाई क्या खूबसूरत घर मिला मुझे, जिस तरह खूबसूरत शक्ल की मेरी बेटी है ना।
ऐसा ही अल्लाह ने खूबसूरत घर भी हमें दे दिया। याद ना करे शुक्र है करोड़ों बार। सुहेल बेटा एक बात बताओ, देखो बुरा नहीं मान लेना, मैं आज बहुत खुश हूँ भाई। ये बताओ कि अब तुम कहीं मेरी बेटी को छोड़ तो नहीं दोगे ना? अरे खाला कैसी बातें कर रही हैं आप, मैंने सोनिया का हाथ जिंदगी भर के लिए पकड़ा है, बहुत मोहब्बत से रखूंगा इसे। आप बेफिक्र हो जाएं, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे खुलूस पर शक ना करें। अरे नहीं बच्चे मैं क्यों शक करने लगी, सुन लो जा बेटा ले जा संभाल के ले जा, मेरी चीजें हैं इसमें। आई थी तेरी बीवी घर पे, यूं डेले फाड़ फाड़ के देख रही थी इंस्पेक्टरों की तरह। अरे मेरा तो कलेजा हलक में आ गया, वो तो ये समझ रही थी कि शायद मैंने तुम्हें किसी कोने खुदरे में छुपा के रखा। अरे अम्मा छोड़ो ना, ये क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो, घर देखो ना कितना प्यारा है। आए सुहेल वो हमारा घर देखते हैं, आपका और मेरा ख्वाबों का महल। ये है तैमूर कि आपकी बीवी जो भी होती, मैं होती या जारा होती, वो किंजा भाभी की नफरत और दुश्मनी का निशाना बनती। हमारे पास एक रास्ता है फलक, हम इस हॉस्पिटल की फार्मेसी पे जाके पता करते हैं कि ये दवाइयां कौन लेने उनके पास आया था। ये तो मेरी सोच से ज्यादा चलाक निकले। तैमूर के ऑफिस पहुंच गई है, पता नहीं क्या कुछ कह रही होगी मेरे खिलाफ, तैमूर के कान भर रही होगी। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास भी हर चीज का तोड़ है।